एसएसपी बरेली शैलेश कुमार पांडे द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में हुई हत्याओं घटना के अनावरण हेतु स्थानीय पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें थाना भित्री चैनपुर क्षेत्र में हुई एक युवक की हत्या के मामले में उसी के हत्यारे दोस्त को गिरफ्तार कर हत्या की घटना का खुलासा किया गया। दूसरी ओर थाना बारादरी क्षेत्र के मोहल्ला कटरा चांदखा में बदमाशों द्वारा दहशत का माहौल पैदा करने के लिए की गई अंधाधुंध फायरिंग में मारे गए युवक सचिन के पांच हत्यारों को एएसपी अभिषेक कुमार वर्मा, प्रभारी निरीक्षक बारादरी नरेश कुमार त्यागी ने पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के सामने पेश कर जेल भेज दिया गया है। मालूम हो कि जिले में हत्याओं की ताबड़तोड़ वारदातों के चलते एसएसपी बरेली ने तत्काल हत्यारों को पकड़ घटनाओं का अनावरण करने का आदेश दिया था, जिसके तहत तत्काल प्रभाव से उक्त घटनाओं का खुलासा कर अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अत्यंत ही सनसनीखेज घटना कटरा चांदखान में हुई थी दिनांक 6 जून को रात्रि में, जिसमें अभियुक्तों द्वारा कई राउंड फायर किया गया तथा एक व्यक्ति जिसका नाम सचिन मौर्य था उसको गोली मारी गई थी। उनके घर की एक महिला को भी पैर में गोली लगी। मजरूह को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया और 9 तारीख को मजरूह की मृत्यु हो गई और इसमें धारा 302 की बढ़ोतरी की गई। ये एक अत्यंत ही सनसनीखेज घटना थी। इस घटना में पुलिस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 अभियुक्त विनोद अज्जी और अमन मौर्य, ये तीनों नामजद अभियुक्त हैं, तथा इस घटना में जिस व्यक्ति ने असलाह सप्लाई किया था मुजफ्फर, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ इनका एक और एकम्प्लिश महक सिंह, उसको भी गिरफ्तार किया गया। इस तरह कुल 5 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में असलहे और कारतूस की इसमें रिकवरी की गई है। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त 2 बुलेट मोटरसाइकिल्स जिसपे सवार होकर ये अपराधी आए थे, उन मोटरसाइकिल्स को भी जो है बरामद किया गया। घटना के पीछे के मोटिव के बारे में जब जानकारी की गई इनसे पूछताछ में, तो ये पता चला कि कटरा चांदखान का ही एक व्यक्ति चवन्नी लाला करके है, उससे इनकी लड़ाई थी पंकज तथा उसकी पूरी टीम की। इसी में दहशत फैलाने के उद्देश्य से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें जो शेष अभियुक्त हैं उनके लिए हमारी पुलिस टीम काम कर रही है, जल्दी उन अभियुक्तों को भी गिरफ्तार करके उनसे उम्मीद है कि और असलहों की हम बरामदगी सुनिश्चित कर सकें।